हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूक्लियर रिएक्टर 2020 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राजेश पासवान और आज हम एक बड़े ही अच्छी कंपैरिजन वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। ये कंपैरिजन है मिलिट्रीज के बीच में, दो शक्तिशाली देशों की। एक है इंडिया, हमारा प्यारा देश, और दूसरा है तुर्की। और ये जो तुर्की और इंडिया का मिलिट्री कंपैरिजन है, ये कि कितना कितना क्या है, चलिए देखते हैं क्या कंपैरिजन। उसके बाद हम अपनी टिप्पणी करेंगे, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए क्या है, वेलकम टू शेयर स्टडी फ्रेंड्स। दोस्तों, भारत और तुर्की के रिश्ते कई दशकों से बढ़िया चल रहे थे, लेकिन वर्तमान में तुर्की में रजब तैयब इर्दुगान के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही दोनों देशों के बीच पुरानी ये बंदा ना नजर नहीं रिश्ते आती है। खराब ही करता तुर्की जा रहा है। एक और जहां दुश्मन का दुश्मन दोस्त की नीति पर चलते हुए पाकिस्तान से नजदीकियां बनाते जा रहा है, वहीं भारत की आंतरिक नीतियों का विरोध करने के चलते भारत से दूरियां भी बनाता जा रहा है। तुर्की एक यूरेशियन देश है जिसका आधा हिस्सा यूरोप में और आधा हिस्सा एशिया में पड़ता है, और अपनी जियोपॉलिटिकल स्थिति के अनुसार तुर्की अपने आप ये कैसा मैप है भाई? इस मैप में इंडिया का कश्मीर वाला हिस्सा तो है ही नहीं। इस बंदे को मैं स्पेशली मैसेज करने वाला हूँ कि मैप जरा देख के यूज किया कर भाई। को एक शक्तिशाली सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित करने की अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर चुका है। तुर्की, जो कि हथियारों के निर्माण में बहुत हद तक आत्मनिर्भर देश है, वह सैन्य शक्ति के मुकाबले में भारत के सामने कहां टिकता है, इसका आकलन करने के लिए इस वीडियो में हम इन दोनों देशों की सैन्य शक्तियों की लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर तुलना करेंगे, जिसके आधार पर आप खुद डिसाइड करें कि कौन सा देश किस पर भारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। असल हथियारों का कंपैरिजन शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं। शुरुआत करें टोटल पॉपुलेशन से, तो पॉपुलेशन भारत में की तो भाई कुल हम बहुत आगे जनसंख्या हैं। 1320 मिलियन है, वहीं मिलियंस में तुर्की की जनसंख्या 80.1 मिलियन है, जो कि भारत से बहुत पीछे है। भारत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, वहीं तुर्की दुनिया का 18वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, तुर्की दुनिया का 36वां सबसे बड़ा देश है। दोनों देशों के पिछले साल के डिफेंस बजट को देखें तो भारत ने हथियारों का दूसरे देशों से काफी ज्यादा आयात किया, और अपने डिफेंस के लिए भारत ने 61 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च किए। वहीं तुर्की अपने लिए हथियारों का प्रोडक्शन खुद भी करता है और निर्यात भी करता है। तुर्की ने अपने डिफेंस के लिए 19 बिलियन अमेरिकन डॉलर का खर्चा किया। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, वहीं तुर्की दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, जो कि पाकिस्तान से ज्यादा शक्तिशाली है। इन आंकड़ों को देखकर भारत तुर्की पर सीधे सीधे भारी पड़ता है। अब देखते हैं असल हथियारों का कंपैरिजन। 21वीं सदी के सबसे घातक हथियार न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात करें तो भारत 150 के आसपास न्यूक्लियर बॉम्ब्स की क्षमता रखता है, वहीं तुर्की के पास वर्तमान में कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। हालांकि न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए ईंधन की बात करें तो तुर्की में थोरियम के भंडार हैं, और यही वजह है कि तुर्की भारत, चाइना और ईरान से पहले इस फील्ड में मदद मांग चुका है, लेकिन इन देशों से सहयोग न मिलने के कारण तुर्की ने अब पाकिस्तान और चीन का रुख अपनाया है, ताकि वे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तकनीक हासिल कर सकें, जो कि उनका एक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी तुर्की में विकसित किए जाने लगे हैं, और वे जल्द ही न्यूक्लियर तकनीक हासिल करने के बाद एक परमाणु क्षमता वाले देश के रूप में उभर सकते हैं। मिलिट्री पर्सोनेल की बात करें तो भारत के पास एक्टिव और रिजर्व कुल मिलाकर 35 लाख फौजी हैं, वहीं तुर्की के पास एक्टिव और रिजर्व फौज मिलाकर कुल 10 लाख सैनिक वर्तमान समय में मौजूद हैं। अब देखें हवाई ताकत, तो इस क्षेत्र में फाइटर एयरक्राफ्ट्स और इंटरसेप्टर्स की बात करें तो भारत के पास कुल मिलाकर 600 से अधिक अलग अलग प्रकार के फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। वहीं तुर्की के पास 200 के आसपास फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें F-16 फाइटिंग फाल्कन, F-35 लाइटनिंग, बोइंग 737, T-129 जैसे फाइटर्स का प्रोडक्शन तुर्की खुद ही करता है, और कुछ का ये दूसरे देशों से आयात करते हैं। इसके बाद अटैकर एयरक्राफ्ट्स और बॉम्बर्स की बात करें तो भारत के पास ऐसे कुछ 200 से अधिक अटैकर एयरक्राफ्ट्स हैं,
वहीं तुर्की के पास इस फील्ड में ज्यादा कुछ हथियार नहीं है। 50 के आसपास संभावित इस प्रकार के हथियार तुर्की के पास होने की संभावना है। इसके बाद मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इसमें यूटिलिटी, कॉम्बैट ट्रेनर और अन्य कई तरह के हेलीकॉप्टर्स, सभी की कुल मिलाकर भारत के पास 700 से अधिक संख्या है। वहीं तुर्की के पास ऐसे कुछ 600 के आसपास मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं। लेकिन कुछ सूत्रों की माने तो तुर्की के पास भारत से भी ज्यादा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं। इसके बाद बात करें जमीनी ताकत की, भारत के पास लगभग 4,500 के समथिंग कॉम्बैट टैंक्स है, वहीं तुर्की के पास इससे आधे कॉम्बैट टैंक्स हैं। हथियारों से लैस आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स भारत और तुर्की दोनों के ही पास 8,500 से अधिक की संख्या में मौजूद हैं। इसके बाद रॉकेट प्रोजेक्टर्स जो कि भारत के पास 280 के लगभग है, वहीं तुर्की के पास 400 से अधिक रॉकेट प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं। समुद्री ताकत की बात करें तो वर्तमान समय में भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वहीं तुर्की के पास फिलहाल कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। फ्रिगेट्स, भारत के पास 15 फ्रिगेट्स हैं, वहीं तुर्की के पास भी लगभग इतने ही फ्रिगेट्स मौजूद हैं। समुद्री शक्ति को डिस्ट्रॉय करने वाले डिस्ट्रॉयर्स की बात करें तो भारत के पास ऐसे 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं, वहीं तुर्की के पास कोई भी डिस्ट्रॉयर नहीं है। समुद्र के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की बात करें तो भारत के पास परमाणु हमला करने की क्षमता से लैस 16 सबमरीन हैं, वहीं तुर्की के पास ऐसी 12 सबमरीन हैं। सो फ्रेंड्स, इस आकलन को देखने के बाद हम क्लियरली बता सकते हैं कि कौन सा देश किस पर भारी है। आप अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर शेयर कर सकते हैं और वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो ये थी वीडियो, और भाई इस कंपैरिजन को देख के तो साफ मालूम पड़ता है कि इंडिया काफ़ी स्ट्रांग है। और वैसे भी इंडिया मिलिट्री के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडियन मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब हमारे पास अब तो आई थिंक सबसे ज़्यादा वो मतलब जो मिलिट्री के होते हैं पर्सनल, वो आई थिंक अब हमारे पास सबसे ज़्यादा, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। और इंडिया अपने डिफेंस पे काफ़ी ज़्यादा खर्चता है और वो हमें खर्चना ही पड़ता है क्योंकि हमारे आसपास दो बड़े ही हॉस्टाइल देश हैं, एक पाकिस्तान एक चाइना, और दोनों के साथ हमारी लड़ाई हो रखी है। तो हमें अपने डिफेंस पे खर्चना तो पड़ेगा ही, वरना कुछ नहीं पता ये दोनों देश कब क्या कर दें। तो इस करके भी, और वैसे भी तुर्की के साथ वैसे तो हमारा कोई वैसे ही दुश्मनी नहीं है, पर वो जब से उनके जो नए प्रेसिडेंट हैं अर्दोगान, वो जब से पावर में आए हैं वो लगातार एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसलिए हमारा उनके साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। वरना तुर्की के साथ हमारा कोई वैसे कोई दुश्मनी तो नहीं थी। और अभी कुछ टाइम पहले मलेशिया के जो थे, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर कुछ महावीर करके कुछ था कुछ ऐसा, वो जब तक पावर में थे उन्होंने भी काफ़ी एंटी इंडिया स्टेटमेंट दी है और मलेशिया के साथ हमारे रिलेशन ख़राब हुए हैं। पर जैसे ही वो पावर से हटे, अब हमारे रिलेशन दोबारा से ठीक हो रहे हैं क्योंकि अब मलेशिया थोड़ा न्यूट्रल रहता है वो मतलब इंडिया को देखे। तो मेरा मानना है कि जब तक ये अर्दोगन रहेंगे तब तक तुर्की के साथ रिलेशन ख़राब ही होते रहेंगे, क्योंकि हटने के बाद शायद हमारे रिलेशन फिर से सही होने लग जाए, क्योंकि अर्दोगन की अपनी ही कुछ एम्बिशंस हैं। आपने मेरी अगर जो है पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें भी बात करी है कि वो खलीफा बनना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसे ऐसे स्टेप लेते हैं। और इंडिया के साथ दुश्मनी लेना मेरे हिसाब से उनको नहीं लेना चाहिए। मैं मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि एशिया में देखो, अगर हम मिलिट्री पावर की जो है बात करें तो एशिया में कौन कौन स्ट्रांग है, चाइना, इंडिया, रशिया, ठीक है, और तुर्की और रशिया की खास नहीं बनती है इसका मुझे पता है, ठीक है। वो सीरिया में मतलब उनके उतरे क्लाशेस हुए थे तो नहीं बनता उतना। चाइना वैसे भी जो है भरोसे लायक है नहीं, ठीक है, और चाइना मुस्लिम्स को कैसा ट्रीट करता है वो तो आप सब उगर मुस्लिम के बारे में जानते ही हैं, अगर नहीं भी जानते तो गूगल पर सर्च कर लीजिए उगर मुस्लिम से चाइना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि उनको कैसा ट्रीटमेंट चाइना करता है। वहाँ की जो पुरानी मस्जिदें हैं, मॉस्क्यू जो हैं, उनको उसने पब्लिक टॉयलेट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब चाइना मुस्लिम्स को कुछ खास ट्रीटमेंट देता नहीं है, तो रह गया कौन, इंडिया। तो
अगर आपको एशिया में अपना इन्फ्लुएंस थोड़ा सा बना के रखना है तो इंडिया से दोस्ती बहुत ज़रूरी है, और अमेरिका ये बात समझ गया, ठीक है, क्योंकि अमेरिका की रशिया के साथ तो वैसे नहीं बनती है, चाइना के साथ नहीं बनती है, तभी वो इंडिया के साथ में रहता है। तो तुर्की को थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में कौन सा देश फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। और इंडिया के काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ भी अच्छे वो रिलेशन है, पाकिस्तान इतना ज़्यादा हमारी नेगेटिव इमेज जो है मतलब शो करता है मुस्लिम वर्ल्ड को, पर उसके बावजूद भी इंडिया के रिलेशन ज़्यादातर मुस्लिम देशों के साथ बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सऊदी के साथ, सऊदी जो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करता है, उनके साथ हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। तो लॉन्ग टर्म में इंडिया किसी हर देश के लिए अच्छा ही साबित होगा, ठीक है। तो इंडिया से दुश्मनी करना ये नहीं कहता कि हम जो है बहुत उनके साथ जो बुरा कर देंगे या वो कर देंगे, पर उनके जो इंटरेस्ट हैं वो लॉन्ग टर्म में थोड़े नेगेटिव वे में इम्पैक्ट हो सकते हैं। ये मेरा व्यू है, पर्सनल व्यू है। अगर कोई पाकिस्तानी या किसी और देश में कोई देख रहा है तो वो आपके व्यूज़ होंगे, ये मेरा व्यूज़ है एज अ इंडियन, तो ठीक है, ये है मेरे व्यूज़। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को देख के आपको तो मालूम पड़ गया होगा कि हमारी मिलिट्री कहाँ स्टैंड करती है और तुर्की की कहाँ करती है। तो जय हिंद, जय भारत, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।